शहर में दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जहां एक और एक कार से करोड़ों रुपयों की चोरी का खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एटीएम से 70,000 रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रामदासपेट में आरबीएल बैंक के एटीएम से 70,000 रुपए चोरी हो जाने की शिकायत बजाज नगर थाने में की गई है। थाने के पुलिस निरीक्षक प्रवीण पांडे ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि उपरोक्त बैंक से रुपए चोरी हो जाने के बारे में बैंक अधिकारी को पता चला, तब उसने बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरबीएल बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक व्यक्ति एटीएम के माध्यम से रुपए चोरी करते हुए नजर आया। इस व्यक्ति ने एटीएम मशीन में कार्ड डालने के बाद उसका अजीब तरीके से उपयोग कर पैसे निकाल लिए। इससे खाता धारक को पहले डेबिट और फिर रकम क्रेडिट हो जाने का मैसेज मिला था। बजाज नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में रामदासपेट में एक आरबीएल बैंक का एटीएम है, वहाँ पे जो आरबीएल बैंक के अधिकारी है उनको पता चला कि उनके एटीएम के जो पैसे है और डेबिट और क्रेडिट इसमें कुछ तफावत है, इसलिए उन्होंने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज जब वेरीफाई किए तो उन्हें पता चला कि 4/10/2022 को एक आदमी उस एटीएम में जाता है और एटीएम में से जब पैसे कार्ड डाल के निकलता है तो जब हाफ ट्रांजेक्शन होता है, पैसे जब आधे निकलते हैं तो फिर वो मशीन बंद कर देता है, मशीन का पावर स्विच ऑफ कर देता है, तो वो पैसे फिर खींच के निकलते हैं। ऐसे वो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता और वापस वो पैसे उसके अकाउंट में, जो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ वापस वो अकाउंट में उसके पैसे वो क्रेडिट दिखाते हैं। एक्चुअली जब फिजिकली वो पैसे वहाँ से निकल लेता है, ऐसे उसने 70,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है। ये 4/10/2022 की घटना है। पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन 2 फरवरी 2023 को मिली, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 379 का एक केस रजिस्टर कर दिया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कुछ मोबाइल नंबर इसके आधार पर इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन के थ्रू चालू है। फिलहाल तो सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिख रहा है। ऐसे कुछ पहले भी वाकया हुए थे, तहसील में भी कुछ आरोपी पकड़े थे, उन आरोपी का भी रिकॉर्ड चेक करके और वो भी सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो फ्रॉड है ये तो बैंक का इसमें मतलब बैंक इसमें ये हुई है, जिस बैंक नुकसान बैंक का हुआ है, इसमें पब्लिक का नुकसान नहीं हुआ। पब्लिक का जो नुकसान होता है वहाँ पे जो सीसीटीवी वगैरह रहते हैं वहाँ पे कुछ स्कीमर लगाया हुआ रहता है या कुछ जो नई चीज़ें होनी चाहिए, अपना जो कीपैड रहता है वहाँ पे एक छोटा कैमरा वगैरह रहना, ये सब चीज़ें वेरीफाई करके ही वहाँ पे कार्ड डालना चाहिए। आजू बाजू में कोई आदमी है उसका कभी भी मदद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आदमी कौन है, चीटर है, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपना कार्ड भी वहाँ पे एक्सचेंज करके आपके पीछे खड़ा रह के आपका जो नंबर रहता है पिन नंबर वगैरह वो देख लेते हैं, फिर वो कार्ड चेंज करके खुद वो कार्ड इस्तेमाल करके पैसे भी निकल लेते हैं। ऐसे भी कुछ हादसे हुए हैं और लोगों की चीटिंग हुई है। तो नागरिकों से कहना है कि एटीएम जब हम यूज़ करते हैं तो अपना पिन नंबर जितना सुरक्षित हो सके उतना सुरक्षित रखे। जब एटीएम में जाए तो वहाँ का जो इंसर्ट का जो एक वहाँ पे एक ये रहता है स्लॉट रहता है वो थोड़ा हिला कर देखे, वहाँ पे कुछ चीज़ चिपकाई हुई तो नहीं है या कुछ कैमरा जो चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए वो है कि नहीं, वो सब वेरीफाई करके एटीएम में करना है, क्योंकि सुरक्षितता ही सावधानी से अच्छा है। एनबीसी न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।